खबरों में है दम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था, अपराधियों को नहीं पुलिस का खौफ। नव निर्वाचित जनपद सदस्य के घर पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। मंडला मामला हृदय नगर बस स्टैंड का है, जहां पर वर्तमान में चुनी गई जनपद सदस्य आराधना चौरसिया, पति किशोर चौरसिया के यहां 15 से 20 लोगों ने हथियार से लैस होकर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, हो सकता है अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल इसकी शिकायत हृदय नगर चौकी पर की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हृदय नगर पुलिस इन लोगों की तलाश में जुट गई है। पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।